नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है सरकारी परीक्षा के चैनल पे और जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था हम तैयार हैं अपनी रीट की सीरीज को लेकर और आज जो पहली क्लास होने वाली है वो एक बहुत ही छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडोगोजी को जब भी हम शुरुआत करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है वो होता है समझना कि आखिर वो चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या जिसके बारे में हम बात करते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में तीस सवाल होते हैं लेकिन आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी uh, में से भी तीन से चार सवाल हमारे बनते हैं इसीलिए मैंने इस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है आज की इस क्लास में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे उससे आने वाली डिफरेंट जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की हम उसके बारे में समझेंगे तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली में ग्रोथ यानी कि वृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास आखिर है क्या तो आपने देखा होगा जैसे ही बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं राइट right. जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं हम हमेशा सोचते हैं अच्छा बच्चा एक साइज का था उसकी एक हाइट थी उसका कुछ वेट था और कैसे बच्चे में धीरे धीरे ये चेंजेस आए वो बड़ा होने लगा उसकी हाइट बढ़ गई उसका वेट बढ़ गया लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी हम हाइट वेट और इन फिजिकल क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखते हैं तो एक्चुअली हम डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात नहीं कर रहे होते हम बात कर रहे होते हैं वृद्धि की यानी कि ग्रोथ की तो अब हम सोचेंगे कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है तो आइए देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक्चुअली डिफरेंस है क्या तो जब भी हम ग्रोथ या वृद्धि की बात करते हैं तो हम क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करते हैं यानी कि साइज की जैसे कि वेट uh, हो गया इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका साइज़ हो गया एट्सेट्रा राइट right? लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो हम सिर्फ फिज़िकल चेंजेस की बात नहीं करते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात नहीं करते हैं हम क्वालिटेटिव चेंजेस की भी बात करते हैं क्योंकि सिर्फ बच्चा शरीर के साइज में ही तो नहीं बढ़ रहा है ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिस तरीके से हम बात करते हैं हमारी सोच हमारी मॉरल डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं तो अगर हम बात करें कि इन दोनों में मोटा मोटा क्या डिफरेंस है तो पहला ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस है जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस के बारे में है ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा समझिए क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम क्वांटिटेटिव चेंजेस की भी बात करेंगे तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा ही है ग्रोथ जो है वो कुछ टाइम के बाद आगे रुक जाती है जैसा हम सब ने नोटिस किया होगा कि एक सर्टेन एज के बाद हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है हमारा वेट भी लगभग कुछ टाइम बाद लाइफ के कुछ टाइम में सेटल uh, हो जाता है लेकिन अगर हम डेवलपमेंट यानी विकास की बात करेंगे तो विकास जो है वो एक क्वान प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता है ग्रोथ की जब भी हम बात करते हैं जनरली ग्रोथ जो है हम एक ही डायरेक्शन में देखते हैं कि बढ़ ही रहा है कुछ लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ भी है मतलब इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है जैसे कि आपने देखा होगा कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी आईसाइट कमज़ोर हो जाती है हमारी याद रखने की क्षमता यानी कि हमारी मेमोरी है वो भी हमारी कम हो जाती है तो डेवलपमेंट में इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है राइट right? um, जो दूसरा डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो ये है कि ग्रोथ जो है उसे हम मेजर कर सकते हैं नाप सकते हैं मेरी हाइट कितनी बढ़ी मेरा वजन कितना बढ़ा लेकिन क्या हम डेवलपमेंट को नाप सकते हैं क्या मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी थिंकिंग में कितने चेंजेस आए या मेरी मेमोरी कितनी शार्प हुई राइट तो इसी को देखते हुए ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो हम सबको याद रखने हैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेकर ग्रोथ डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हमारी फिजिकलिटी में हमारी फिजिकल एंटिटी uh, में जो चेंजेस आते हैं उसको हम ग्रोथ बोलते हैं जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस को कहा जाता है अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट किन किन एरियाज में होती है या डोमेन्स क्या है डेवलपमेंट uh, के तो डेवलपमेंट के बहुत सारे डोमेन्स हैं फिजिकल डोमेन मोटर डोमेन इंटेलेक्चुअल या जिसे हम कॉग्नेटिव डोमेन भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज की डेवलपमेंट हमारी मोरालिटी क्या सही है क्या गलत है हम उस मॉरल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे हमारी सोशल डेवलपमेंट के हम बारे में पढ़ेंगे और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे डोमेन् जिनमें हम डेवलपमेंट को इन सारे एरियाज़ में डेवलपमेंट जो है वो हमें नज़र आ सकती है तो अब हम आते हैं कि हमारी जो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है क्या हमारी uh, स्टडी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है राइट right? लेकिन हमारे ईज के लिए हमारे पढ़ने की ईज को ध्यान में रखते हुए हम डेवलपमेंट को छह मेजर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं पहला प्रीनेटल स्टेज जो कि जब बच्चा कंसीव करते हैं तब से लेकर और जब तक बच्चा पैदा होता है उसके बर्थ तक उसको हम प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं दूसरा हमारा हो गया इन्फेंसी जो कि बच्चा पैदा होने से लेकर दो साल तक की जो स्टेज है उसे हम इन्फेंसी बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज तीन से बारह साल तक के लिए हम मानते हैं लेकिन उसे भी हमने ब्रेक कर दिया है अर्ली चाइल्डहुड में और लेटर चाइल्डहुड में उसके बाद एडोलेसेंस है जो 12 से 18 लगभग 19 साल तक हम उसकी बात करेंगे फिर एडल्टुड है जो 20 इयर्स एंड uh, 20 इयर्स टू 60 इयर्स एंड फाइनली ओल्ड एज जो 60 इयर्स के uh, 60 इयर्स से स्टार्ट होती है लेकिन जब भी हम रीट एग्जाम की बात करेंगे हमारे रीट पेपर वन और पेपर टू के सी की जब हम बात करेंगे तो तीन ऐसी स्टेजेस हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम विस्तार से आने वाली क्लासेस में जानेंगे सबसे पहली है इन्फेंसी, एंड फाइनली पेपर पेपर हो हो। या इन्फेंसी और चाइल्डहुड तो हमारा सेम ही रहेगा दोनों पेपर्स uh, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडोलशन जो है स्पेसिफिकली अगर आप पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है तो ये तो था ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस अब मैं क्विकली आपको रिकैप करा देती हूँ ग्रोथ यानी कि वृद्धि जो कि सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करते हैं हमारे शेप साइज हाइट उन सब में जो वो सब जो बढ़ता चला जाता है उम्र के साथ उसे हम ग्रोथ बोलते हैं डेवलपमेंट जो है वृद्धि उसका डेफिनेटली एक पार्ट है ग्रोथ उसका डेफिनेटली एक पार्ट uh, है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पर जब हम विकास की बात करते हैं तो वो सारे डोमेन्स जिनको मैंने आपको बताया था मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इन सब डोमेन्स में जो हमारा विकास होता है उस सब को क्यूमुलेटिव करके हम उसे डेवलपमेंट बोलते हैं आई होप आपको ये क्लास में एटलीस्ट आपका जो इस क्लास का टेक अवे है वो ये होना चाहिए कि आपको डेवलपमेंट क्या है डेवलपमेंट के डोमेन्स क्या हैं और हमारे डेवलपमेंट uh, के स्टेजेस क्या हैं ये आपको इस क्लास से समझ आ गए होंगे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं कोशिश करूँगी कि हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं वहाँ से वो सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करूँगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि इस सीरीज में आने वाली बाकी वीडियोस आप जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर तुरंत आ जाए हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इन्फेंसी थैंक यू हैव अ गुड डे